व्हाट इज साइकोलॉजिकल टाइम? अगर प्रेजेंट में ही हम बात करें, प्रेजेंट की ही करते हैं, तो उस अकॉर्डिंग जो भी चीज़ अभी आप अपने बॉडी के थ्रू फील कर सकते हैं, अभी आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपने आसपास चीज़ें देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें प्रेजेंट में आ जाएंगी। वैसे ही जो चीज़ें इस बॉडी ने प्रीवियसली एक्सपीरियंस की है, वो सारी चीज़ें पास्ट में चली गई और जो करेगी एक्सपीरियंस वो फ्यूचर में आ जाएगी। तो टाइम इज़ बेसिकली अ डिल्यूजन और an illusion, whatever you call it, because बहुत सारे disorders ऐसे होते हैं where you forget things. When you forget things, do you think कि वो time उनके लिए matter करता है? या time exist करता है? या time exist करता है? So without memory, is there time? That is not. तो कौन सा time रहता है और कौन सा चला जाता है? Chronological चलता रहता है, क्योंकि उसकी body में changes चलते रहते हैं, body बूढ़ी होगी, but psychological time zero हो जाता है, यानी ये कह सकते हैं subjective time का concept चला गया, objective time बचा रह गया, पर जिसको हम ऑब्जेक्टिव टाइम कह रहे हैं वो भी कुछ नहीं है, वो चेंज है, कुछ बदल रहा है। तो जो भी बदल रहा है वो सब टाइम में है, बट वो किस में है? फिजिकल टाइम में, क्रोनोलॉजिकल टाइम में। बट साइकोलॉजिकल टाइम इज लिंक्ड टू मेमोरी। इट्स मेमोरी, इट्स योर प्रेजेंस ऑफ माइंड एज वेल, नॉट जस्ट मेमोरी, बट लाइक इफ यू नॉट इन योर राइट प्रेजेंस ऑफ माइंड, फॉर यू टाइम डजंट एग्जिस्ट, फॉर यू टाइम इज नॉट योर प्रायोरिटी, सो इट्स नॉट समथिंग दैट यू फोकसिंग ऑन। अ लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट मेंटली स्टेबल, उनका फोकस ना टाइम होता है ना, उनसे आप कभी एक्सपेक्ट कर सकते कि उन्हें पता हो कि आज कौन सा दिन है, क्या टाइम हो रहा है, या अभी लाइफ अभी दिन है, रात है, क्या है, कुछ नहीं। तो वो प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसको एग्जिस्टेंस कहते हैं, आप इस बॉडी में हैं, आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं चीज़ों को, आँखों से देख रहे हैं, बॉडी से महसूस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो आपकी कॉन्शियसनेस है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको इस टाइम को परसीव करने के लिए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इन सबको परसीव करने के लिए। और फिर पास्ट जैसी चीज़ों को याद रखने के लिए आपकी मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइम इज बेसिकली इट्स नॉट देयर, बट इट्स समथिंग दैट यू परसीविंग। तो बेसिकली एक तरह का एक ट्रायंगल हो गया, अगर इसको हम ध्यान से समझने की कोशिश करें, एक हो गई हमारी कॉन्शियसनेस, एक हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, और एक हो गया थॉट, जो थॉट इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है, उसको हम थॉट भी कह सकते हैं, मेमोरी भी कह सकते हैं, बिकॉज जैसे ही मेमोरी चली जाती है तो ये जो दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, दैट इज कॉन्शियसनेस एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, ये जुड़ता तो है, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम disappears in that particular moment.